आपके सपने अब होंगे पूरे। चालीसा हिलव्यू के साथ तिरुपति डेवलपर्स एंड कॉलोनाइजर्स की नई पेशकश। हमारा पता है किशोर न्यायालय के पास, राजघाट रोड, लिंक रोड, तिली सागर। पूर्व केंद्रीय मंत्री पीआर कुमार मंगलम की पत्नी किट्टी कुमार मंगलम की हत्या करने वाले आरोपित को टीकमगढ़ की जतारा पुलिस ने 33 लाख रुपए के जेवरात के साथ गिरफ्तार किया है। जतारा एसडीओपी योगेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि फरियादी लेडीज सर्वेंट मिथिला देवी, जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री पीआर कुमार मंगलम की पत्नी किट्टी कुमार मंगलम के साथ रहती थी। रात करीब 8:30 बजे जब किट्टी कुमार मंगलम ने लेडी सर्वेंट से राजू धोबी से कपड़े लेने को कहा, तभी राजू के साथ अन्य दो लड़के भी कमरे के अंदर आ गए और तीनों ने मिलकर लेडी सर्वेंट के साथ मारपीट की। साथ ही किट्टी कुमार मंगलम उम्र 70 साल बसंत बिहार कॉलोनी दिल्ली की हत्या कर दी। इसके बाद आरोपित सोने चांदी के जेवरात और नकदी रुपए लेकर भाग निकले, जिसकी रिपोर्ट पर थाना बसंत बिहार जिला साउथ वेस्ट दिल्ली में अपराध कायम किया गया। विवेचना के दौरान दो आरोपी जिनके नाम राजू और राकेश, दोनों निवासी दिल्ली हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तीसरा आरोपी सूरज कुमार महीपालपुर दिल्ली जतारा के बलदेवपुरा में आकर ससुराल में छिप गया था। इस बात की सूचना जब जतारा पुलिस को मिली तो पुलिस ने बलदेवपुरा में दबिश देकर आरोपित को दबोच लिया। आरोपित सूरज के पास से पुलिस ने दिल्ली से लूटा हुआ सोने चांदी का सामान, कीमत करीब 33 लाख रुपए, मोबाइल और अन्य सामान बरामद किया है। आज दिल्ली से एसआई अशोक कुमार, बसंत बिहार थाना साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के नेतृत्व में टीम दिल्ली से हमारे थाना जतारा आई। उनके द्वारा बताया गया कि 6 जुलाई को पूर्व कैबिनेट मंत्री जोटल नेहरू वाजपेयी जी के समय मंत्री थे, उनकी पत्नी केट्टी मैडम का की कुछ लोगों ने हत्या कर दी है और 6 जुलाई से इन लोग, ये टीम उस आरोपियों की तलाश में थी, जिसमें से एक आरोपी जिसका नाम सूरज बोलते हैं वह है टीकमगढ़ में आया हुआ है और बलदेवपुरा उसकी लोकेशन मिल रही है, जिसके पास करीब सोना चांदी है, 1 किलो के लगभग सोना चांदी है और वह फरार चल रहा है। इस संबंध में मेरे एसपी सर के निर्देशन में और डीआईजी सर के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें हमारे थाना प्रभारी त्रिवेंद्र त्रिवेदी, रवि सिंह कुशवाहा सब इंस्पेक्टर अजय सिंह द्वारा तत्काल तुरंत कार्रवाई की गई और बलदेवपुरा पहुंची टीम, जहां पर इनकी उस आरोपी से झड़प भी हुई और उसके बाद बड़ी मुश्किल से इसको गिरफ्तार किया गया। लेकिन वहां पर भी महिलाएं लोग विवाद कर रही थी, जिसमें पुनः टीम हमारी रवाना हुई और मैं स्वयं वहाँ पर पहुँचा, जहाँ पर करीब 33 लाख का हमें जेवरात वहाँ पर मिला है और करीब 10,000 रुपये जब्त हुए, एक फ़ोन रेडमी का जब्त हुआ है और इसके द्वारा हम लोगों ने आके यहाँ पे जब्ती बनाई। टीकमगढ़ से सुधीर जैन, सागर टीवी न्यूज। आपके सपने अब होंगे पूरे। चालीसा हिलव्यू के साथ तिरुपति डेवलपर्स एंड कॉलोनाइजर्स की नई पेशकश। 7.83 एकड़ में आवासीय प्लाट चालीसा हिलव्यू, सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी में सभी साइजों में आवासीय प्लाट उपलब्ध है। पूर्णता वैध कॉलोनी, संपूर्ण रूप से कवर्ड कैंपस, गार्ड रूम, पार्क, 24 घंटे सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, चौड़ी सीसी रोड, प्राकृतिक सुंदर पहाड़ों के बीच स्थित कॉलोनी, प्रदूषण मुक्त वातावरण, वाटर सप्लाई ओवरहेड टैंक द्वारा, सिवर लाइन हेतु सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, सुंदर स्ट्रीट लाइट, राष्ट्रीयकृत बैंकों से फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है किशोर न्यायालय के पास, राजघाट रोड, लिंक रोड, तिली सागर।